हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर थर्ड दो था, थर्ड वो था आपका एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, ठीक है, इसको स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी भी कर ली थी और हमको इसको स्टडी करके धीरे धीरे ये पता चल रहा था कि असल में आपका एटम्स एंड मोलिक्यूल्स ही होते क्या हैं और असल में किस तरह इनका बिहेवियर होता है कि इनके साइज इतना होता है, इनके अंदर क्या होता है, ठीक है, उन पर चार्ज क्या होते हैं। जैसे हमने आपको एटम्स के बारे में बताया था एंड एटम्स है इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसके अंदर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन डजंट हैव चार्ज, इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, ये हमने बताया था और इनकी वजह से क्या क्या चेंजेस भी होते हैं वो भी हमने बताया था, ठीक है। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो था आपका मोल कॉन्सेप्ट और मैंने बताया था वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स का, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करने का, क्योंकि दोनों फील्ड में ये एक अच्छे लेवल पर यूज़ होता है और ये हमको काफ़ी इजी कर देता है आपके स्टडीज़ को, वेदर वी आर स्टडी अबाउट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाउ डज अ केमिकल रिएक्शन हैपन, जब वो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स बनेंगे, कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 1 ग्राम कार्बन लिया और 1 ग्राम ऑक्सीजन ले ली, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इनके दोनों को रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितने ग्राम का होगा, ठीक है। अभी तो मैंने बता दिया 1 ग्राम 2 ग्राम, ठीक है, तो आप सम करके बता सकते हो, लेकिन मैं बोलूँ कितने नंबर ऑफ बोन्स बनेंगे, नंबर ऑफ बोन्स को भी हम बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या बता सकते हो आप इनसे, हाँ इनसे आप ये भी बता सकते हो कि मान लीजिए कोई मोलिक्यूल्स है, मोलिक्यूल्स ओनली मोलिक्यूल के बेस पर ही आप ये बता पाओगे कि जैसे कि मान लीजिए इसका मास कितना होगा। मान लीजिए आपने एक ड्रॉप किसी भी लिक्विड का रख दिया, आप बता सकते हो कि इसका मास किस क्या होगा, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, किस तरह बिहेव कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ है और भी चीज़ें आएगी लेकिन वो हायर क्लासेस में। अभी तक हमको बस ये पता होना चाहिए कि जो मोल कॉन्सेप्ट है वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, ठीक है, हालांकि वो पुरानी वाली टर्म्स है, कुछ फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला अलग से ऐड किया है जो कि आपकी बुक में भी है, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो गिवन मास जो भी मान लीजिए आपको क्वेश्चन में जो मास देता है कि इतने मास का हमको ये बताइए, इतने मास का वो बताइए, तो उसको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। मोलर मास को याद रखना कैपिटल एम से दिखाते हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि आपको क्वेश्चंस में दिए होते हैं, मान लीजिए कि 200 पार्टिकल्स 300 पार्टिकल्स का आप ये निकालिए जो भी बोलेगा वो, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोटेड बाय इस कैपिटल एन, ठीक है, नॉट बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन से नंबर ऑफ मोल्स दिखाते हैं और इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखाते हैं, ओके। अवोगाद्रो नंबर जो है वो आपकी नाइन्थ क्लास तक एन नीचे लिखा हुआ है जीरो, इसको आप एन जीरो बोल सकते हो या फिर एन नोट भी इसको बोल सकते हो। नाइन्थ क्लास तक इसको एन नोट से दिखाते हैं, इवन टेंथ क्लास तक भी, और जैसे आप हायर क्लास में जाते हो तो वहाँ पर इसको एन नोट ना दिखा करके एन ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ये आपको पर डिपेंड करता है किसको आप लिखे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एन नोट को ही प्रेफर करें, ये बस आपको एन ए पता होना चाहिए, ओके, क्योंकि आपकी टेंथ क्लास तक ये चलेगा, तो जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि कोई एन नोट लिख रहा है, एन ए लिख रहा है, तो जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ओके। ओके, नेक्स्ट वी आई हैव रिटन 3 फॉर्मूलाज के नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको दे रखे हैं तो आप नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं तो इन बेस पर क्या कैसे निकाल सकते हो, या फिर नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपको मोल्स दे दिए हैं और नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है कि बताइए क्या होंगे, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। और अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है लेकिन कुछ गिवन क्वांटिटी कुछ थोड़ी अलग है, तो आप जो थर्ड फॉर्मूला है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ थी वो हमें अभी तक पढ़ी, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस पर, क्योंकि आज हम इसके क्वेश्चन लेने वाले हैं, यही चीज़ असल में बिल्डअप करते हैं कि आपका क्या है क्वेश्चन। आपके एक दो बुक के ले लेंगे, एक दो बाहर के ले लेंगे, फर्स्ट सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपका बुक का है, ठीक है, देख लेते हैं। आपकी जैसे एक बुक का ये एग्जाम्पल दे रखा है कि बोल रखा है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं आपको और 52 ग्राम ऑफ हीलियम गैस दे रखी है। बोल रहा है आपको कि नंबर ऑफ मोल्स मुझे बताइए और आपको दे क्या रखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे छोटा सा है और इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स नोटेड बाय, देखिए इसमें कहाँ है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को किससे दिखा सकते हो आप, स्मॉल एन से, ठीक है, तो एक तो चीज़ को ये हम दिखा देंगे कि चलिए ठीक है इसको हमने स्मॉल एन से दिखा दिया। और अब आपसे पूछ रहा है कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स बताएं इस चीज़ को लेके, फॉर्मूला कौन सी यूज होगा, दिस वन, फर्स्ट फॉर्मूला जो है वही आपको बता रहा है कि अगर मान लीजिए आपको मास दे रखा है और मोलर मास आप निकाल लो तो आप नंबर ऑफ मोल्स
फाइंड आउट कर सकते हैं और वही हम करेंगे। नंबर सपोज इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप, मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो ज़्यादा। गिवन मास दे रखा है आपको 52 ग्राम, ठीक है, और अब आपसे पूछ रहे हैं मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं, सिंपल, हमने आपको बताया था, जैसे कि मान ली हीलियम है, हीलियम एक, किसी ने पूछा है इसका मोलर मास है ना, या फिर पूछा उसने ग्राम एटॉमिक मास, या फिर आपसे पूछा सीधा एटॉमिक मास, तो आप क्या बताओगे? सिंपल सा है, जब आपसे एटॉमिक मास पूछ रहा है तो मतलब आपको एक एटम का पूछ रहा है। वो एक एटम का क्या होता है, हीलियम के अंदर दो, तो इसका होता है 4 यूनिट, इसका एटॉमिक मास होता है 4 यूनिट, या बुक में भी देख सकते हो, आपके टेबल भी दी गई है। लेकिन जब इसका मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास पूछ रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, ग्राम एटॉमिक मास में बस आपको ये जो यूनिट है इसको चेंज कर देना है, 4 ग्राम, ये हो गया सर ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी हमने बताया था, ये एक सिंगल एटम का मास होता है जिसको 4 यूनिट से दिखा, जिसको हीलियम के लिए 4 यूनिट से दिखाते हैं, और ये कितने एटम्स का मास होता है, ये होता है 6.022 × 10²³ नंबर ऑफ एटम्स का मास होता है 4 ग्राम इन केस ऑफ हीलियम, ठीक है। अच्छा, अब वापस इस पे आ जाते हैं, 52 ग्राम ये पूछ रहा है और अपोन में क्या है मोलर मास, तो हीलियम का मोलर मास क्या होगा, 4, ये आपने लिख दिया 4, इसको आप सोल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर, 1 और 3, ठीक है, ये आ गया आपका 13 नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए कि भाई 52 ग्राम ऑफ हीलियम अगर है तो असल में आपके पास उसमें 13 यानी कि 13 मोल्स है, ठीक है, इतने तो क्वेश्चन में दिया गया था। अब हम इसमें अपनी तरफ से कुछ चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ओके, प्रोसीड फर्दर। देखिए 13 मोल्स दे रखे हैं, अब मान लीजिए आपसे पूछता कि मुझे ये भी बताइए कि 13 मोल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, समझ आए, हमने 13 मोल्स तो निकाल दिए कि भाई 52 ग्राम ऑफ हीलियम जो गैस थी उसमें असल में टोटल 13 मोल्स हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ये पूछ रहा है आपसे कि 13 मोल्स में मुझे नंबर ऑफ एटम्स पे काउंट करके बताइए, एक एक एटम काउंट करके बता रहे हैं, तो कैसे बताएंगे, ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है। देखिए जैसे कि मान लीजिए इसमें बता रखा है नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालने हैं तो किस तरह निकाल सकते हो आप, आपको गिवन मास दे रखा होगा, मोलर मास आपको निकालना है, मल्टीप्लाई कर देना किससे, एन नोड से, यानी कि अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, या फिर अवोगाद्रो नंबर, जो भी आप बोलना चाहो। नंबर ऑफ एटम जैसे आपको निकालने हैं तो आपने गिवन मास और मोलर मास तो निकाल लिया, ये आपका गिवन मास ये था, मोलर मास आपने नीचे आपको फाइंड आउट कर लिया और कटपिट करके आपको 13 मोल मिल गया। अब बचा क्या है, इसको एन नोट यानी कि एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ठीक है हम वही कर देते हैं। मान लीजिए ये पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन 13 मोल्स, ये पूछ रहा है तो कैसे बताएंगे, 13 × एवोगाद्रो नंबर, और एवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10²³, इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए आपके पास, इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो कि सर असल में 52 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स है। तो आप देखिए, आपको एक चीज़ ना क्वांटिटी, मतलब आपकी एक क्वांटिटी ग्राम में दे रखी थी, और ग्राम का यूज़ करते करते आप एक इतने इतने डीपर लेवल पर पहुंच गए कि आप ये बता पाते हो कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो सोचिए थोड़ा कितना एक ग्रांड चीज़ है, कितनी ह्यूज चीज़ है ये, कि आपको ग्राम में कुछ चीज़ दे रखी है और करते 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 आप नंबर ऑफ एटम्स पहुंच गए। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, एटम को आज तक किसी ने देखा नहीं है, इवन हमारे पास अभी जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके भी हम एक सिंगल एटम को नहीं देख पाते। आप यूट्यूब पर चेक करोगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन वो फेक वीडियोस है सारे के सारे, ठीक है, अभी तक एटम्स को किसी ने देखा, लेकिन हाँ हम उसके इफेक्ट को देखते हैं और इफेक्ट को ही मेजर कर करके हम इस रिजल्ट पर पहुँचते हैं, ठीक है, ओके। तो मैथमेटिक्स या साइंस आपको ये चीज़ बता सकती है कि जिस चीज़ को आप देख भी नहीं पा रहे हो उस चीज़ को आप काउंट करके तक बता सकते हो, तो सोचिए थोड़ा कितनी एक बड़ी चीज़ है साइंस, ठीक है। चलिए, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चन को कम से कम नोट डाउन कर ही लीजिए आप, ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन हैं।
अपने हिसाब से हम इसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। असल में बस हमको एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। जितने मान लीजिए बुक में दे रखा है हम उससे कुछ ऐड करके चलेंगे, जिससे कि और ज़्यादा बिल्डअप हो सके आपकी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और उठा लेते हैं। पूछ रहा है आपसे, चलिए इसको ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, वही मिलता जुलता है। पूछ रहा है आपसे 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक, इतने आपको दे रखे हैं। अब आपसे पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मास। सिंपल सा, क्या कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, दिखने में बस खतरनाक है। बोल रहा है आपसे 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ध्यान देना नाइट्रोजन गैस, और यहां पे ये N2 है, N2 यानी कि ये एक मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल ना कि एटम, ठीक है। मोलिक्यूल N2 का दे रखा है, N2 का मतलब दो एटम्स है इसके अंदर, है ना, दो एटम्स है नाइट्रोजन के, और दोनों का मास होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। मास पूछा है आपसे 0.5 मोल दे रखा है, तो थोड़ा इसमें देखिए हम किस फॉर्मूले को यूज ले सकते हैं इसके मास को निकालने के लिए, या फिर आप अपना ही कुछ नया फॉर्मूला बना लें, ठीक है। इन्हीं में से फॉर्मूला यूज होगा, और आप थोड़ा देखिए कि कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिए 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, सबसे पहले तो अपने को इसका मोलर मास पता होना चाहिए। इसका सिर्फ फॉर्मूला ये बनेगा, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास, जो कि आपसे पूछ रहा है। अब देख लीजिए हम मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज लिया है, नंबर वन, ठीक है आपसे। अब इसमें क्या क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए और मोलर मास दे दिए गए। अब आपसे पूछ रहा है कि मुझे मास निकाल के बताइए, ठीक है। जो गिवन मास है असल में ये वही मास है, ठीक है। असल में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको खाली ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो इनको ओनली फॉर्मूला बेस्ड मत कीजिए, ओनली फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड करोगे तो आप इन्हीं चीज़ों में अटक के रह जाओगे। मतलब अटक के कहने से सेंस है कि आप यहीं तक रुक के रह जाओगे कि ये चीज़ सारे समझ आ जाएगी आपको और आगे आप बढ़ नहीं पाओ। इसको थोड़ा सा ना बड़े लेवल पर सोच के देखें कि असल में चीज़ें किस तरह काम कर रही है, ठीक है, और क्या एटम्स के अंदर हो रहा है। मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास, तो मोलर मास निकाल लेते पहले N2 गैस का। ध्यान रखना N2 एक मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल के अंदर दो एटम एक साथ जुड़े हुए हैं, और इन दोनों का मास अपने को एक साथ ऐड करके कैलकुलेट करना है। नाइट्रोजन का एटम जो होता है उसका मास होता है एटमिक मास 14, क्योंकि नाइट्रोजन के दो एटम में तो 14 14, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। यह आ गया आपका 28 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं आपको 0.5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर जो है, ठीक है। अच्छा, इतना मास आ गया इसका कि इतने नंबर ऑफ मोल्स में इतना इनका मास निकल के आया है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए आप, 14 ग्राम इसको लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए बेटा, कि मान लीजिए आपसे ये पूछता कि 14 ग्राम में, या फिर पॉइंट, चलिए 0.5 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स है ना, 0.5 में हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल, ये आपसे अगर मान लीजिए पूछता तो आप किस तरह कैलकुलेट करते। 0.5 मोल जो है उसको सीधा एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कैसे होता है, और वो 0.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या है आपका 6.022 इंटू 10^23, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये तक आ जाएगा कि 0.5 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। या फिर आप अब मान लीजिए इसको क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लेता हूँ कि 14 ग्राम आपको दे देता कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस है, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये बताइए, तो आप कैसे करते। 14 ग्राम जैसा आपको दे रखा है, सबसे पहले आप इसको उल्टा सोल्व करते हैं। उल्टा सोल्व मतलब वो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ये आपको ये दे रखा है, क्या बोलेगा, आपको मास दे रखा होता, ठीक है, आपको मोलर मास आप निकाल लेते और फिर आप उसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते। नंबर ऑफ मोल्स जैसे आप 0.5 मिलता तो आप उसको सीधे कैलकुलेट कर देते नंबर ऑफ एटम्स के साथ, ठीक है, जो कि आपका अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया जाता है। ओके,
तो ये क्वेश्चन भी इस तरह हो सकते हैं। मान लीजिए आपसे ये और पूछ लेता, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि मान लीजिए पूछता आपसे कि 12.00821×10^23 नंबर ऑफ एटम्स कितने दे रखा है। मान लीजिए आपसे ये बोलता कि इतने नंबर ऑफ एटम्स के अंदर है ना, इन दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मैनी मोल्स, इतने नंबर ऑफ एटम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल रहेंगे ये आपको बताना है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए देख लीजिए आप ये फॉर्मूला भी यूज ले सकते हो, या फिर नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज ले सकते हो। और हम आपको पता है थर्ड वाला फॉर्मूला वो यूज लेंगे, क्यों? क्योंकि थर्ड वाले फॉर्मूले में हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ही तो है, ठीक है, पार्टिकल्स एटम्स से ही नंबर ऑफ एटम्स तो है और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल और एटम दे रखे हैं और नीचे अपन अवोगाद्रो नंबर उससे डिवाइड कर देंगे और आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो आप इस तरह लिख सकते हैं 12.00821×10^23 अपॉन एवोगाद्रो नंबर दैट इज 0.6022×10^23 नंबर ऑफ मोल्स। इसको सोल्व करने पे जितना भी आता वो रहता उसका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो आपसे ये भी इस तरह से पूछ सकता है, नंबर ऑफ एटम्स दे दे फिर आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले, ठीक है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को भी अच्छे समझ लें और इसको नोट डाउन भी साथ साथ में करते जाए, ओके। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी जो वीडियो है उसको फिनिश करते हैं। चलिए ले लेते हैं, बोल रखा है आपसे 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब असल में आपको एक ऐसा बोल रखा है, एक्स वाई लिख रखा है ऑक्सीजन गैस, और आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, ये कैसे निकालेंगे आप देखिए, आपको बोल रखा है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब मैं एक चीज बता दूं, ऑक्सीजन गैस के अंदर आपको O2 के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मतलब ऑक्सीजन गैस के अंदर हर एक पार्टिकल O2 मॉलिक्यूल से बना रहेगा, ना कि हर एक पार्टिकल O से बना रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस के अंदर हर एक पार्टिकल O2 मॉलिक्यूल से O2 मॉलिक्यूल से बना रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको पता है O2 एक मॉलिक्यूल है, O2 का मतलब इसके अंदर दो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, टू नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कि एक ऑक्सीजन एंड दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना और हम आगे बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नंबर वन दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं और जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आप दिखाते हो स्मॉल एंसर, और गिवन मास कितना है आपको 12 ग्राम, ये लिख दिया आपने 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को नीचे क्या लिखना है, मोलर मास कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों का ऑक्सीजन के एक इंडिविजुअल एटम का आप मोलर मास निकालिए और उनको फिर ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन के इंडिविजुअल एटम का मास क्या होता है, एटॉमिक मास दैट इज 16, और इसका भी 16, दो एटम्स हैं इसलिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए दैट इज 32, तो अपॉन में कर दीजिए 32 और कटपिट करके जो भी आता है, जैसे कि मान लीजिए 2/7 ये आता है, और इसको आप डेसिमल भी कन्वर्ट करके बता सकते हो, मतलब 2/7 नंबर ऑफ मोल्स इतने मान लीजिए आपको निकल के आए, ठीक है। लेकिन हमने बोला था कि हम इसमें ये भी बताएंगे इसको कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के अंदर। देखिए 2/7
इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एवोगाड्रो नंबर से, है ना? आपको पता है जो हमको नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब आप निकाल रहे हो तो उसको एवोगाड्रो नंबर से तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? 6.0 × 2×10²³ और ये आपको सॉल्व करके जो भी एक गिवन वैल्यू दे देगा। लेकिन यहाँ पे आप चीज़ देखिए, इसने क्वेश्चन में क्या बोला था? इसने बोला था 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी कि इसने ये बोल रहा है ऑक्सीजन गैस मतलब ऑक्सीजन का मोलिक्यूल, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए, अब आपने जो फाइंड आउट करके निकाला है ना, ये मोलिक्यूल्स के नंबर हैं या कि एटम्स के, ठीक है? मोलिक्यूल्स के नंबर ये हैं ना कि एटम्स है, और एक एक मोलिक्यूल ना, हर एक मोलिक्यूल जो है वो दो एटम से मिलकर बना हुआ है ना? देख रहे हैं ना, ये एक मोलिक्यूल है, दो एटम से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही इतने सारे एन, इतने नंबर ऑफ एटम्स, इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है? इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इसमें दिए गए हैं, तो आप क्या नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो क्या? ठीक है, एक मोलिक्यूल्स वही है जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं? 2, ठीक है? तो इतने सारे मोलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, है ना? आपने पढ़ा है आई थिंक ये मैथ में, और ये आ चुका है। इसको हम कहाँ लिख सकते हैं? इसको यहीं लिख लेते हैं हम, के 1 मोलिक्यूल्स हैव 2 एटम्स, सो इसको, इस पूरी चीज को मैं बोल रहा हूँ ए, है ना? इसको एक नाम दे दिया मैंने ए, इस पूरी क्वांटिटी को लिखने के बजाय ए लिखना। सो ए मोलिक्यूल्स विल हैव कितने एटम्स रहेंगे? इतने सारे इनके अंदर ए इंटू 2, यानी कि ए की वैल्यू क्या है? इतनी सारी रख दीजिए आप इसको, 2×7 × 6.022×10²³ × 2। तो ये है आपका नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है? इसी बेस पर मैंने सारे के सारे जो हमने वो लिए हैं एग्जाम्पल, ऐसे उन्होंने तीनों चारों चीज़ें निकाल के दे रही थी जो कि हम निकाल सकते थे उनसे लेके, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन लास्ट है आपका, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन एक, ठीक है? तो सारे क्वेश्चन जो भी रहेंगे न्यूमेरिकल्स वो इसी बेस पर रहेंगे, ठीक है? और आपको आज एक होमवर्क भी दिया जाएगा, मैं बता दूंगा क्या, लेकिन सबसे पहले आपको ये जो हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं इनको अच्छे से समझना है आपको, ठीक है? अब भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो बिल्कुल बता सकता है, ठीक है? और नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तब तक लिए मजा करिए, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट।